सोचो तो जरा, जिन आंखों ने कभी तुम्हारा दिल चुराया था, आज वही आंखें तुमसे मिलने से कतराती हैं। कैसा लगता है? दिल टूटा हुआ, हैरान, या शायद दोनों? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं प्यार, जुदाई और आंखों की मार्मिक ताकत की एक मॉडर्न कहानी पर। इस कहानी में आंखें सिर्फ देखने के अंग नहीं हैं, ये रूह के झरोखे हैं, वो खामोश बोलने वाले जो दिल की अनकही बातें बयां करते हैं। ये कहानी शुरू हुई एक मामूली से दिन, शहर के खुले आसमान के नीचे। भीड़ भाड़ में दो अजनबियों की आंखें मिली और बस एक दिल चुरा लिया गया। बड़े बड़े इशारों या मीठी मीठी बातों से नहीं, बल्कि एक टकटकी से जो बहुत कुछ कह गई। अब आओ सीधे आज के दिन पर। वही आंखें जो कभी गहरा प्यार जताती थीं, आज संकोच से भरी हुई इधर उधर भागती हैं। क्यों, तुम पूछते हो? क्या ये उस मोहब्बत का सामना करने का डर है जो कभी था, या फिर ये उस दिल का जुर्म है जो अब प्यार में नहीं? एक शायर और गहरे रिश्तों के चाहने वाले के तौर पर मुझे ये बैडलाव दिल तोड़ने वाला और दिलचस्प दोनों लगता है। ये हमें इंसानी जज्बातों की नाजुक फितरत और दूसरों पर हमारे कामों के असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी सिर्फ रोमांटिक प्यार या उसके खोने के बारे में नहीं है, ये इस बात का आईना है कि कैसे हमारे मिलने जुलने, हमारे रिश्तों और खुद हमें बदलते हैं। ये समझने के बारे में है कि हर नजर हर बात मायने रखती है। तो अगली बार जब तुम किसी की आंखों में झांको, याद रखना, शायद तुम्हारे पास एक दिल चुराने या उसे भरने की ताकत हो। समझदारी से चुनो, क्योंकि आंखें कभी नहीं भूलती। ये थी आंखों और दिलों की एक कहानी, प्यार मिलने और खो जाने की। मुझे उम्मीद है कि ये तुमसे जुड़ती है, तुम्हारे अंदर कुछ जगाती है, और शायद तुम्हें अपने आसपास की आंखों को थोड़ा अलग नजर से देखने पर मजबूर करती है। इस सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया, और याद रखना, जज्बातों की दुनिया में आंखों की अपनी एक अलग भाषा होती है। इस भाषा को बोलना सीखो और तुम दिल के गहरे राज समझ जाओगे।